नोएडा में बाइक सवार 6 बदमाशों ने हिस्ट्री सीटर के मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। छत पर खड़ा 13 साल का बेटा बाल बाल बच गया है। आरोप है कि खुद को बड़ा बदमाश साबित करने के लिए बाइक सवारों ने गोलियां चलाई हैं। मामला कोटा का है, जहां दो गैंग के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई मानकर उद्योग नगर पुलिस जांच कर रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है। उद्योग नगर थाना CI मनोज सिकरवार ने बताया, गोविंद नगर निवासी गुड्डू हजरत के मकान पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बाइक सवार बदमाशों ने 5 गोलियां चलाई थी। इस दौरान गुड्डू का 13 साल का बेटा छत पर खड़ा था। दो बाइकों पर सवार होकर सरफराज, अमन लाला, अरमान, लकी, रहीम, आसिफ घर पर आ धमके थे। इसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। इसके बाद फरार हो गए थे। गुड्डू के घर पर CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज जब्त कर लिया है, साथ ही शहर में नाकाबंदी भी करवा दी है। बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से रंजिश चली आ रही है। पुलिस ने बताया कि गुड्डू हजरत हिस्ट्री सीटर है, उसके खिलाफ 44 मामले अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। साल 2021 तक कोटा शहर का एकमात्र बदमाश गुड्डू हुआ करता था। पुलिस ने बताया कि पहले सरफराज और बाकी बदमाश गुड्डू के साथ ही थे। कुछ समय से इनके बीच में रंजिश चल रही है। फायरिंग के निशान आसपास के घर की दीवारों पर भी हैं। सामने आ रहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। पहले सभी बदमाश एक ही गुट में थे, बाद में सरफराज, अमन लाला ने अपना अलग गुट बना लिया था। गुड्डू के परिवार ने बताया कि बदमाश पहले भी घर पर फायरिंग कर चुके हैं। परिवार वालों की माने तो फायरिंग करने वाले बदमाश बार बार यही कहते हैं कि वो गुड्डू से बड़ा बदमाश हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने मकान पर 5 फायर किए हैं, जिस समय वारदात को अंजाम दिया गुड्डू का 13 साल का बेटा छत पर ही खड़ा था। वारदात में वह बाल बाल बच गया है। गोलियों के निशान आसपास के घरों की दीवारों पर भी मिले हैं। जब भी उन्होंने 6 फायर करा, हमने कैमरे में से वीडियो दे दी प्रशासन को। अभी फिर आज सुबह आए तो बच्चा ऊपर खड़ा था, तो फिर उन्होंने फायर करे मेरे बच्चे पे 6। वो वीडियो भी मेरे पास कंप्लीट। डॉन बनना चाह रहे हैं, यहाँ के मिर्जापुर बनाना चाहते हैं। इस गोविंद नगर को यूँ बोलते हैं, हम मिर्जापुर बनाएंगे। सरफराज और बिट्टू, अमन लाला, अरमान टप्पू, लक्की रहीम, आसिफ मोटा वगैरह ने 2 मोटरसाइकिलों से आए और 4-5 फायर करके वहाँ से भाग गए।